दोस्तों नमस्कार, स्वागत करता हूँ मेरे चैनल ट्रेनिंग इंक्वायरी पर। आज कुछ ट्रेनों की बात करने जा रहा हूँ जिन्हें कि जीरो बेस टाइम टेबल में बंद किया जा रहा है। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। उसमें जो पहली जो ट्रेन है 13007 13008 उद्यानाबाद तूफान एक्सप्रेस ट्रेन है, हफ्ते में सातों दिन चलने वाली, श्रीगंगानगर से हावड़ा के बीच में। इस ट्रेन की बात की जाए तो हावड़ा से श्रीगंगानगर चलती है वाया आसनसोल, पटना, दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, कानपुर, टुंडला, आगरा, निजामुद्दीन, नई दिल्ली, रोहतक और बठिंडा के बीच में। 1981 किलोमीटर 112 होल्ट के साथ 43 किलोमीटर पर आवर की जनरेट ये के साथ ये पूर्ण करती है और इसके 5 रैक हैं। ईस्टर्न रेलवे इसको ऑपरेट करता है। 1930 में पहली बार चली थी दिल्ली से हावड़ा के बीच में, बाद में इसको एक्सटेंड किया गया श्री गंगानगर तक। ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा डिले के साथ चलती है और साल में 3 महीने ये ट्रेन जो है वो पार्शली कैंसिल रहती है मुगलसराय व श्रीगंगानगर के बीच में। तो इस ट्रेन को जो है जीरो बेस टाइम टेबल के अनुसार जो है वो हमेशा के लिए ख़त्म किया जा रहा है, ये ट्रेन आपको देखने को नहीं मिल सकती है। दूसरी अगर ट्रेन की बात करें तो ये चलती है हावड़ा से अमृतसर के बीच में 13049 13050 अमृतसर एक्सप्रेस के नाम से। ये ट्रेन जो है हफ्ते में 7 दिन चलती है, ईस्टर्न रेलवे की ट्रेन है और ये चलती है हावड़ा से अमृतसर के बीच में वाया आसनसोल, पटना, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, बनारस, सुल्तानपुर, लखनऊ, चंदौसी, मुरादाबाद, अम्बाला। 1924 किलोमीटर 109 होल्ट के साथ और एवरेज स्पीड 43 किलोमीटर पर आवर। अगेन जो है इसके ही होल्ट जो है उद्यान आबा तूफान के बराबर ही हैं। तो इस ट्रेन को भी क्या है बंद करने का निर्णय किया गया है। इन दोनों ट्रेनों को बंद करने का, इसके साथ जो आगे वाली ट्रेन है वो भी ईस्टर्न रेलवे की है। रीज़न ये है कि हावड़ा से लेकर दिल्ली के बीच में स्पीड अप किया जा रहा है ट्रैक को 130 से 160 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन जो दो या तीन ट्रेनें हैं ईस्टर्न रेलवे की, हर 20 या 25 किलोमीटर बाद इनका हाल्ट है, तो बार बार रुक के इनको चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है दूसरी ट्रेनों के लिए। इसीलिए ईस्टर्न रेलवे का ये प्रपोजल था जो रेलवे ने स्वीकार किया गया। इसी क्रम में जो तीसरी ट्रेन है 13119 13120 सियालदह से दिल्ली के बीच में, हफ्ते में 2 दिन चलती है ट्रेन, ये भी ईस्टर्न रेलवे की है। इसका तो जो वाया है काफ़ी लंबा है, सियालदह से जो आती है आनंद विहार के बीच में, उसमें साहिबगंज, भागलपुर, जमालपुर, क्यूल, पटना, दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, लखनऊ, मुरादाबाद, 1633 किलोमीटर 87 स्टॉपेज के साथ, एवरेज स्पीड इसकी भी 43 किलोमीटर पर आवर है, हफ्ते में ये 2 दिन चलती है। इस ट्रेन को भी जो है ईस्टर्न रेलवे जो है वो बंद करने जा रहा है। आगे की जो ट्रेन है वो वेस्टर्न रेलवे की ट्रेन है 19023 और 24 फिरोजपुर जनता एक्सप्रेस, ये चलती है मुंबई सेंट्रल से पंजाब के फिरोजपुर के बीच में और इसका जो वाया रहता है वापी, वलसाड़, सूरत, बड़ोदरा, रतलाम, नागदा, कोटा, मथुरा, नई दिल्ली, रोहतक, जाखल और बठिंडा। 1772 किलोमीटर 95 होल्ट के साथ एवरेज स्पीड 45 किलोमीटर पर आवर। ये एक ऐसी ट्रेन है जो 36 घंटे से ज़्यादा की जर्नी जो है करती है, लेकिन इस ट्रेन में स्लीपर के अलावा सेकंड क्लास ही आपको मिलेगा, एक भी एसी इस ट्रेन में आपको नहीं मिलेगा। इस ट्रेन का भी जो स्टॉपेज है वो हर 30 या 40 किलोमीटर पे है। तो वेस्टर्न रेलवे में भी स्पीड अप हो रहा है कोटा से रतलाम, बड़ोदरा के बीच में ट्रैक, इसलिए इसको भी बंद किया जा रहा है। आगे की जो ट्रेन है वो है जम्मू तवी एक्सप्रेस, श्रीगंगानगर से जम्मू तवी के बीच में चलने वाली, 14714 14714, हफ्ते में 1 दिन बुधवार को चलती है गंगानगर से जम्मू के बीच में, रास्ता बठिंडा, दूरी लुधियाना, जालंधर, कैंट, 548 किलोमीटर 13 होल्ट, 46 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी रफ्तार है। इस ट्रेन के साथ प्रॉब्लम ये है कि इस ट्रेन को ऑक्यूपेंसी नहीं मिल पा रही, पैसेंजर जो है बहुत ही कम है और उसका सबसे बड़ा रीज़न है इसकी ओवर टाइमिंग। हफ्ते में 1 दिन चलती है और वो भी इसकी जो टाइमिंग है वो डे की है, दोपहर में 2:45 पर श्रीगंगानगर से चलकर रात को 2:30 जम्मू तक पहुंचती है, वहाँ से 5 चलकर 13 घंटे की टाइमिंग लेते हुए ये शाम को 6:10 पर गंगानगर पहुंचती है। इस कारण डे रनिंग होने के कारण जो है इसको भी पैसेंजर नहीं मिल पा रहे हैं। रीज़न था कि ये रैक शेयर करती थी नांदेड़ ट्रेन के साथ, इसलिए इसको चलाया गया था। तो ये पांचों जो ट्रेनें हैं वो जीरो बेस टाइम टेबल जब लागू होगा तब हो सकता है आपको देखने को ना मिले। हालांकि कुछ ट्रेनों को चलाने के लिए जो सांसद हैं वो लगातार संपर्क में है, क्योंकि इन रूटों से चलने वाली जो ट्रेनें हैं उनके बंद होने से इन स्टेशनों के लोगों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसलिए सांसद प्रयास कर रहे हैं, जनप्रतिनिधि, कि इन ट्रेनों को स्टॉपेज कम करके भी चलाया जा सकता है, जिससे रेलवे को भी नुकसान न हो और जनता के लिए ट्रेनों की उपलब्धता भी सुनिश्चित की जा सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर जरूर करें।
अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं आपसे एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।